हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इंसानी तारीख में मुजरिमों या फिर अपने मुखालिफों को ऐसी ऐसी खतरनाक और अजीब सजाएं दी गई हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। ऐसी ही दो वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको तारीख की कुछ और अजीब और खतरनाक सजाओं के मुतालिक बताऊंगा। द डेथ वैन। दोस्तों, चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा सजाए मौत देने वाले मुल्कों में से एक है। चाइना में टैक्स चोरी करने पर भी सजाए मौत दी जा सकती है। दी डेथ वैन चाइना में शुरू हुई थी। ये वैसे तो एक आम सी वैन होती है, लेकिन इसके अंदर लोगों को सजाए मौत दी जाती थी। डेथ वैन के अंदर एक बेड मौजूद होता था। ऐसा लगता था कि आप किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जिस इंसान को सजाए मौत दी जानी होती थी, उसको इस बेड पर लिटाकर एक जहरीले इंजेक्शन के जरिए मार दिया जाता था। ऐसी दर्जनों वैन्स चाइना में सड़कों पर चलती थी। ये सजाए मौत देने का काफी अजीब तरीका होता है। The punishment of the sack। दोस्तों, कदीम यूनान में ये खतरनाक सजा उस इंसान को दी जाती थी जो अपने किसी रिश्तेदार को कत्ल करता था। इंसान को एक चमड़े के बैग के अंदर रखकर इस बैग को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बैग में इंसान अकेला नहीं होता था। इंसान के साथ एक बंदर, एक सांप और एक कुत्ते को भी रखा जाता था और फिर इस बैग को पानी के अंदर फेंक दिया जाता था। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इंसान को जख्मी करते थे या फिर मार देते थे, वरना इंसान कुछ ही देर में इन्हीं जानवरों के साथ ही पानी में डूब जाता था। डेथ बाय अ थाउजेंड कट्स। दोस्तों, ये सजा चाइना, वियतनाम और कोरिया में दी जाती थी। इस सजा में इंसान को बहुत ज्यादा टॉर्चर से गुजरना पड़ता था, इसीलिए 1905 में इसको चाइना में बैन कर दिया गया था। इस खतरनाक सजा में एक छुरी के जरिए कई दिनों तक इंसान के जिस्म पर 1000 कट्स लगाए जाते थे। इंसान के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता खून निकलता था और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती थी। इस सजा में इंसान को बेहद तकलीफ से गुजरना पड़ता था। ये सजा तकरीबन 1100 साल पहले कदीम चीन में शुरू की गई थी, लेकिन 1905 में इस पर चाइना में पाबंदी लगा दी गई थी। सीमेंट शूज। दोस्तों, ये सजा आज भी दी जाती है। ये अजीब सजा अमेरिका में माफिया या गैंग्स अपने मुखालिफों को दिया करते हैं। दोस्तों, इस सजा में इंसान की टांगें एक बॉक्स या फिर एक बाल्टी में डाल दी जाती हैं और फिर इस बाल्टी या बॉक्स को गीले कंक्रीट से भर दिया जाता है ताकि इसकी टांगें अंदर ही जम जाएं। दोस्तों, फिर इस इंसान को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। 2016 में अमेरिका में एक गैंग मेंबर पीटर मार्टिन्स की लाश मैनहट्टन बीच से मिली थी। इसकी टांगें एक 5 गैलन वजनी बाल्टी में जमी हुई थीं, जिसमें कंक्रीट मौजूद था। वाटर एंड माउथ टॉर्चर। दोस्तों, ये टॉर्चर इंतहाई तकलीफ देह होता था। इसमें इंसान को लिटाकर एक फनल इसके गले के अंदर घुसा दिया जाता था और फिर इस फनल के जरिए इंसान के अंदर पानी डाला जाता था। कई लीटर पानी अंदर जाने से इंसान का मैदा और चेस्ट फूलना शुरू हो जाते थे। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती। अगर इंसान को बहुत ज्यादा टॉर्चर देना होता था तो पानी को उबाल कर इंसान के अंदर डाला जाता था। ऐसा दिन में कई बार किया जाता था और आखिरकार इंसान के ऑर्गन्स खराब होने की वजह से इंसान की डेथ हो जाया करती थी। द टब टॉर्चर। दोस्तों, ये सजा इंतहाई दर्दनाक थी। ये सजा कदीम यूनान में दी जाती थी। इसमें इंसान को एक बाल्टी या टब के अंदर रख दिया जाता था और फिर इस टब को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इंसान का मुंह बाहर होता था। इसके बाद इंसान के चेहरे पर दूध और शहद लगा दिया जाता था। इसके बाद हजारों शहद की मक्खियां और कीड़े मकोड़ों को इस इंसान पर छोड़ दिया जाता था। ये मक्खियां और कीड़े इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ देकर मार दिया करते थे, यानी यही टब या बाल्टी इंसान की कब्र बन जाते थे। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं चेयर टॉर्चर की। ये सजा आज से 300 साल पहले तक यूरोप में दी जाती थी।
ये एक कुर्सी होती थी जिस पर 1000 से 1500 तक नोकीले स्पाइक्स लगे होते थे। इंसान को इस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता था और साथ साथ इन स्पाइक्स को गर्म किया जाता था। ये सजा इंसान को मारने के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर देने के लिए थी। अगर इंसान से कुछ उगलवाना हो तो उसको चेयर टॉर्चर दिया जाता था। आपको ऐसी चेयर्स आज कई म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगी। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।